बॉस को एक बार फिर मिला एक्सटेंशन। सलमान खान ने कहा बिग बॉस को अलविदा। सुंबुल तौकीर खान की जमकर तारीफ करते हुए नजर आए, टीआरपी क्वीन बनी सुंबुल। चलिए आज के इस वीडियो में आपको भी बताते हैं कि क्यों सलमान खान ने शो को अलविदा कह दिया है, बिग बॉस को आखिर कौन नया होस्ट करने वाला है, इसके साथ साथ सुंबुल कैसे बनी है बिग बॉस की टीआरपी क्वीन। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। दोस्तों, बिग बॉस के घर में सुंबुल तौकीर खां को एक बार फिर बनाया गया है टीआरपी क्वीन और सुंबुल तौकीर खां बनी है टीआरपी क्वीन, जिसके चलते एक बार फिर बिग बॉस की टीआरपी हाई है और बिग बॉस के मेकर्स चाहते हैं कि सुंबुल, बिग बॉस के मेकर्स ने इसी के लिए सुंबुल को टॉप 3 में भी जगह बना दी है। अब आपको मैं बता दूं कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि सुंबुल तौकीर खां टॉप 3 फाइनलिस्ट होने वाली हैं। ये सुंबुल के फैंस के लिए है बड़ी गुड न्यूज़। लेकिन साथ ही साथ सलमान खान इस शो को अब अलविदा कहते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने बिजी शेड्यूल के चलते सलमान खान का ये होने वाला है लास्ट वीकेंड का वार। हालाँकि मैं आपको अब भी कह दूँ कि बिग बॉस एक्सटेंड होगा या नहीं, ये पूरी मीडिया रिपोर्ट्स में खबर चल रही हैं, अभी तक इसका कोई भी कन्फर्मेशन नहीं है। जो भी कन्फर्मेशन होगा आप देख तमाशा टीवी का चैनल पे ज़रूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि सुंबुल तौकीर खां जिस तरीके से घर में बनी हुई है और सुंबुल को लगातार बिग बॉस की टीआरपी क्वीन का दर्जा भी दिया जा रहा है, सुंबुल की लार्ज फैन बेस है, लार्ज फैन फॉलोइंग है, जिसके चलते बिग बॉस को लगातार एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिल रहा है। फिलहाल के लिए सुंबुल तौकीर खां घर में सेफ हो गई हैं। आप क्या कहना चाहोगे सुंबुल के इस प्राउड मोमेंट पर, लिखिएगा ज़रूर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में। और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।